गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीकेर हैजवान। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग। तो गाइस मेरे सामने भाई आज है भाई स्विफ्ट ब्लैक स्विफ्ट है, और ये भाई मारुति की ब्लैक स्विफ्ट भाई इतनी डिमांडेड चल रही है गाड़ी भाई। शोरूम पे भी लेने के लिए जाओगे ना वो भी ये बोल देंगे अभी वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि भाई गाड़ी नहीं मिल पाएगी। और भाई हमारे सचिन भाई के पास जो गाड़ी है ना इसमें अलॉय करवा रखे हैं, इसमें जो काम करवाया है ना और कौन सा वेरिएंट है वो अब मैं सचिन भाई से पूछूंगा। जो मेरे सचिन भाई हैं वो बताएंगे अब सब कुछ कि कितने गाड़ी पड़ी कितने की भाई। कैसे भाई? बड़ी भाई और बताइए कैसे हो? और अपने नाम अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए भाई। मेरा नाम सचिन है, दादरी से। ओके हाँ भाई, आप गाड़ी के बारे में बताइए क्या क्या कैसे कैसे है। 9,83,000 की मैंने गाड़ी ली। स्पीक 9,83,000 की मैंने गाड़ी ली। ओके इसमें एल आई करवाई मैंने 52,000 के 17 इंची। ये मॉडल कौन सा होगा भाई आपका इसका? ये भाई 24 ही है। नहीं BXI है, ZXI जैसा कुछ, ZXI। तो आपको इसमें मतलब एलॉय अलग से करवाने का शौक था या फिर मतलब ब्लैक स्विफ्ट मतलब और किसी को मिल भी नहीं रही है गाड़ी? शौक था। कितने इंच के एलॉय करवा दिया आपने इसमें? 17 इंच के। तो कंपनी से कितने में आए थे इसके एलॉय? कितने पड़ रहे थे भाई? 52,000 के टायर समिति। अच्छा अलग से करवाए थे आपने, कंपनी से करवाए थे या फिर ऐसे ही अलग से आफ्टर मार्केट? करोल बाग। अच्छा करोल बाग से करवाए थे, मतलब करोल बाग आपको याद है, करोल बाग में करवाना ही है काम। अच्छा और क्या करवाया था आपने इसमें भाई? अभी तो हमने थोड़ी हल्की फिल्म करवाई है और कुछ नहीं, अंदर की बस थोड़ा फ्लोरिंग वगैरह। अच्छा अंदर क्या करवाया, आके जरा देखें आप इस साइड आ जाइए। और कुछ ना फ्लोरिंग और मैट ही है भाई। अच्छा ये मैट बैट फ्लोरिंग वगैरह ये सब चीज लगवा दी, मतलब ये आफ्टर मार्केट ही करवाया था, ये शोरूम से कुछ नहीं करवाया था। बाकी आपको गाड़ी में कैसा लगा, मतलब ये बताइए, आप जो गाड़ी ली आपने ये आपने क्या सोच के ली है गाड़ी? और भी इसके बजट में बहुत सारी थी, इसकी ओरा हुई और डिजायर भी हुई भाई। ओरा हमारे मिल जाती है, ओरा हमारे पास है, थोड़ा सा ब्लैक हमें अच्छी लगे इसलिए हमने ली। हाँ जो नई ब्लैक आई है, पहले हम पे स्विफ्ट थी ब्लू कलर में, वो हमने सेल कर दी। एक सीएनजी है लोकल में घूमने के लिए, हमें अच्छा लगा। एवरेज मतलब इसका एवरेज कितना होगा एलॉय में? जस्ट मैंने सुना है जस्ट एलॉय के जाते तो एवरेज 250 प्लस चल रही है फुल सिलेंडर करा के। अच्छा सीएनजी में? हां सीएनजी है। क्या बात है, पर सीएनजी में तो और भी मजा आता होगा चलाने में। तो कितने का एवरेज? 24-25 ऊपर। हां 25 से मतलब फुल करा के कितने की? 700 कुछ की गैस आ रहा है इसमें, 250 प्लस चल रही है। अच्छा अच्छा और ये डिस्प्ले स्प्लेस में आया था सब कुछ लगा हुआ? बाकी उस गाड़ी में आपको क्या अच्छा लगा जो आपने इस गाड़ी को लिया परचेज किया भाई? ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर बस, ब्लैक कलर के ऊपर, बस ब्लैक कलर के ऊपर लिया, ब्लैक कलर के ऊपर लिया। अच्छा मतलब इतने मतलब गाड़ी के लिए मतलब दीवाने का भी ब्लैक कलर का दीवाने दीवानगी है जी भाई, सही नहीं है? बहुत अच्छी भाई। हमारे पास है और भी गाड़ी, ये भी कमर्शियल नंबर है हमारी। अच्छा अच्छा स्कॉर्पियो भी ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भी है। मतलब ब्लैक कलर इतना फेवरेट है, मतलब एक रुतबा बनाने के लायक। तो भाई ब्लैक कलर का फेवरेट है, ब्लैक कलर, ब्लैक थार भी है आपके पास? चलो कभी देखेंगे ब्लैक थार की बनाएंगे भाई, और भी देखेंगे उसका। तो भाई इस गाड़ी में आप बताइए आपने कितनी ड्राइविंग कर चुके हो, मतलब कोई गलत नेगेटिव्स वगैरह कुछ? नहीं कुछ नेगेटिव, जैसे चलने में कोई दिक्कत आती है फिर वगैरह ऐसी कुछ होती है? रोड पर चले जा, दूसरा देख लीजिए ब्लैक कलर और ब्लैक ऊपर से अलॉय भी लगे हुए हैं। एक बार आदमी कहीं भी जाओगे ना एक बार जरूर देखेगा। अच्छा मैं खुद कह रहा हूँ, मतलब जो भाई मुझे मिले मैंने खुद देखा रास्ते में, मुझे एलॉय जब इसमें लगे हुए तो ऊपर से ब्लैक कलर, मैंने खुद ही भाई के पास रुका, मैं भाई के पास कॉन्टेक्ट किया जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अलग ही लगी जिस दिन। हाँ हाँ मुझे हालांकि मिल भी नहीं रही है गाड़ी, मैं जैसे कि शोरूम पर जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो मुझे गाड़ी मिलती भी नहीं है। जैसे कि इस शोरूम पर राणा जो खुला है यहाँ पर, इससे अलग भी चला जाऊँ मैं तो वहाँ पर कभी गाड़ी नहीं मिलती है मुझे। यही बोल रहे फ्रेंड हो वेटिंग में चल रही है तो उसने हमें दिला दी, एक साल बोल रहे हैं वेटिंग के लिए। हाँ एक साल बोल रहे हैं वेटिंग के लिए मैंने। ये तो भाई बहुत बढ़िया है कि आपको मिल गई गाड़ी, और इसके फालतू भी रहते कि पैसा कुछ ना ना कुछ भी? मैंने सुना है जैसे कि वेटिंग में गाड़ी रहती है तो फालतू पैसे देने पड़ जाते हैं जब मिल जाती है गाड़ी। जुगाड़ से ऐसे ही मिलता है, जुगाड़ सही है। अभी थार एक आई है इसमें अर्थ एडिशन, देखिए आपने अर्थ एडिशन गोल्डन कलर है उसका, अभी उसका खुद देखता हूँ मैं, सूट करूँगा जाके। अभी 10 कंटेनर आया, देखता हूँ उसमें क्या है, उसमें गाड़ी आ रही नहीं आ रही। 135 में आएगा, अभी देखते हैं क्या है। बाकी और बताइए भाई इस गाड़ी में ड्राइविंग आपने जो करी है एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? आपके पास स्विफ्ट भी है और स्कॉर्पियो भी और अभी है, और उसके मुकाबले आपके कैसी रही है गाड़ी, इस गाड़ी की ड्राइविंग? भाई लोकल में घूमने के लिए मस्त है। अच्छा और लॉन्ग ड्राइव पे? लॉन्ग ड्राइव पे भी अच्छी गाड़ी। बाकी कंडीशन तो आपने एकदम बढ़िया बना रखी है, बाकी स्पेस पे अच्छा खासा मिल जाता है गाड़ी में? ना ना बढ़िया थोड़ी स्पेस। बाकी गाड़ी तो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर कोई मिरर मिल जाता है इस साइड भी, इस साइड कोई मिरर नहीं मिलता। बाकी अगर सनरूफ होता तो कितना बढ़िया रहता है, छोटी गाड़ी में भी अलग ही फील होता है उसमें तो।
इसकी एसी वेसी कैसी है? मतलब एसी बेस्ट है भाई, बेस्ट है। इसमें मुझे अलग लग रहा है ये स्टीयरिंग कुछ ज्यादा ही ना उससे, मतलब साइड कंट्रोल्स आपके में जाते हैं, जेड एक्स आई में तो कंट्रोल दोनों साइड होने चाहिए थे, देखा जाए तो वो प्लस है शायद भाई, इससे प्लस में आते हैं। बाकी मुझे इसका क्लस्टर बढ़िया लगता है। एक पुश बटन स्टार्ट है भाई ये, अच्छा पुश बटन स्टार्ट दे दिया। हां बाकी मुझे इस गाड़ी में ये लगता है जैसे कि इसमें एयरबैग्स कितने होंगे वैसे भाई? इसमें दो ही है। दो ही है? आपको ये नहीं लगता है कि जो मारुति गाड़ी है ये स्विफ्ट, इसमें पैसे कुछ ज्यादा ही है और सेफ्टी इसमें कम है? सेफ्टी तो देखो भाई कम है Honda के मुकाबले, कम नहीं मतलब Honda के मुकाबले कम है। Honda हम पे हो रहा है उसमें चार एयरबैग है, चार एयरबैग, हां चार एयरबैग है, दो सीट में और एक इंची एक इंची उसके टायर साइज भी ज्यादा है ना, टायर साइज भी बड़ा है। हाँ और उसमें जितना बैग भी नहीं पड़ती उस टाइम में, है ना। तो बस वही था कि अपना शौक है मतलब स्विफ्ट का, मतलब एक लुक अलग ही है, तरह से जो फील है ना एक ऐसा लगता है जैसे लग्जरी फील में बैठे। एक ब्लैक कलर भी बेस्ट है इसका, मतलब अच्छा लगता है इस गाड़ी में बैठे। मैंने कुछ पर्सनली इसमें बैठा हूँ, जब मैं शोरूम पर कभी भी जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, हालांकि मैंने चलाई नहीं इस गाड़ी को, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो इस गाड़ी में बैठे। नहीं नहीं ट्राई नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा भाई अपनी गाड़ी को ही लूँ जब भी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी। नहीं बाकी और बताओ इस गाड़ी के आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस कैसा है जैसा अभी? बाकी ब्लैक कलर एकदम जम रहा है इसका, इसमें लाइट वाइट आपने चेंज नहीं करवाए? ये आपने ग्रिल चेंज करवा दी है? हाँ ग्रिल चेंज कराई है। ये कितने में हो गया था? आप तो आफ्टर मार्केट करवाया था ये? तो ये कितने में हो गया था? 2600-2700, मतलब यहीं से या फिर ग्रोल बाग से? नहीं ये तो अच्छा यहीं से हुआ था। बाकी लाइट अगर इसमें लग दी जाए ना, और फॉग लैम्प तो कंपनी से आए होंगे, इसके लाइट चेंज करवाने का कुछ है क्या? अभी बन रहा हमारा कि आगे किसी की लाइट चेंज कराएंगे। अच्छा अच्छा तब और बढ़िया हो जाएगी लाइट वाइट चेंज करने से। बाकी लुक तो बढ़िया जब रहा है इसका। एक बार डिग्गी में देखूँ सिलेंडर कैसा रखा आता है इसका। सिलेंडर का हमने थोड़ा सा काम करा है इसमें भाई। अच्छा आफ्टर मार्केट तो नहीं लगाया था ना सीएनजी? नहीं 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 भाई मार्केट से जा इसमें एक हमने कवर करा के वेस्ट ट्यूब लगवा दी। अच्छा वेस्ट ट्यूब लगवा दी आपने? कितने का पड़ गया था? सिलेंडर कवर कर दिए। अच्छा अच्छा ये 4500 में। 4500 में ये खर्चा हो गया था इसका भी? 1200 में ये करा दिया सिलेंडर कवर करा दिया। बाकी स्पेस नहीं बचता इसमें अगर सीएनजी में कोई सी गाड़ी ले लो, है ना स्पेस कमी हो जाता है इसका। वैसा कैसा बचता है? सही बचता है ये? बढ़िया है। इसमें कोई वैसा बटन नहीं है? नहीं वैसा नॉर्मली आपको मैनुअली करनी पड़ती है बंद। चलो बढ़िया। पीछे कैमरा भी नहीं आता? मतलब ये कि नॉर्मल अपनी गाड़ी है कि अपने देसी वेसी लोग अपने चला सकते हैं मस्त लोकल के लिए, छोटे सही है अपनी छोटी गाड़ी कहीं भी चल जाती है। बाकी आप क्या करते हो? आप अपना इंडक्शन थोड़ा भाई बताइए हमारे ऑडियंस में। अच्छा अच्छा तो आप भाई के पास बहुत सारी गाड़ी है, मतलब एक्सपीरियंस भाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरा अगर बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, मेरा सही बता रहा हूँ मुझे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, लेकिन भाई के पास सारा एक्सपीरियंस है। भाई के पास स्कॉर्पियो थार और डिजायर विजायर सब चीज़ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सब चीज़ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो भाई कौन कौन सी और भी वीडियोस लेकर आनी है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना, और भाई इस गाड़ी को भाई कैसी लगी भी ये मुझे जरूर बताना, कमेंट्स जरूर करना और लाइक करना वीडियो को और शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।